आपने अभी क्या कहा, जय मसीह क्या, क्या आगे क्या लगाया आपने? हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही पापा जी। पापा जी भाई साहब, हम आपके पापा जी नहीं हैं, आपके पापा जी सिर्फ यीशु हैं। हाँ सर, मत बोलिए पापा जी, अगली बार मत बोलिए, ना मुझे बोलिए ना किसी को बोलिए, आपके पापा जी एक ही हैं, आपके पापा एक ही हैं और वो है यीशु। ठीक है ठीक जी, बोलिए बोलिए भाई साहब। सर वो मुझे पता करना था, मैं नया विश्वासी हूँ, अभी एक डेढ़ महीने पहले मैंने अपना जीवन यीशु में समर्पित किया जी। तो सर जहाँ मैं जाता हूँ चर्च में जी, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि मतलब जब तक आप वो बपतिस्मा नहीं लोगे जी, तब तक आपका कोई भी प्रॉब्लम हल नहीं होएगा। अरे बाप रे, रुक जाइए, आपने सुना दोस्तों, मेरे को लगता है ये आखिरी कॉल होगा। ये इन जिए जहाँ जाते हैं, अभी अभी आए हैं ये, कुछ महीने हो गए, इसलिए पापा जी इनके मुंह से निकल गया, तो यही तो खुराक मिल रही है ना, बार यही खाएंगे, इसलिए तो संडे को प्रचार किया था ना कि सही खुराक खाओ, यही चक्कर है। और खुशी है कि मैं ये कर रहा हूँ और आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। इनके जहाँ जाते थे वहाँ के लीडर ने कहा, जब तक बपतिस्मा नहीं होगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मैं वापस कहता हूँ, बपतिस्मा के खिलाफ डैनियल राज नहीं है, बपतिस्मा बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन ये शर्तें क्यों रख रहे हैं लोग, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यशु से प्रार्थना करना, यशु से विश्वास करना, यशु के पास उद्धार पा लेना, जिस दिन आपका उद्धार हो जाता है उसी दिन आप केपेबल हैं, आपको लाइसेंस मिल जाता है, आप एक्टिवेट हो जाते किंगडम ऑफ गॉड में। पृथ्वी पे बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, पृथ्वी पे खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा, ये अधिकार लाइसेंस आपको उसी दिन मिल जाता है जिस दिन आपने अपना जीवन प्रभु को दिया। यही तो लिखा योना 1:12 में कि जितनों ने यशु पर विश्वास किया वो परमेश्वर के बेटा बेटी बन गए। तो भाई साहब का नाम क्या है, आपका नाम क्या है? अमित कुमार। जो पीछे चल रहा है उसको पहले बंद करो अमित, जो पीछे चल रहा है उसको बंद करो, बंद कर बंद कर बंद कर। हाँ सर, बंद जी जी अमित साहब, आपको निराश नहीं होना है और हाँ। बिल्कुल आपने बहुत सही जगह पे कॉल किया, मैं आपकी दाद देता हूँ, लेकिन आपका बपतिस्मा अगर नहीं भी हुआ है ना तो भी आप परमेश्वर के बेटा हैं। ओके सर, आपको उतना लिसन सुनिए अमित, आपको उतना ही अधिकार है जितना अभी मुझे है, आपका परमेश्वर उतना ही है जितना मेरा है। अभी मैं को 30 साल हो गए मसीह में, लेकिन परमेश्वर उतना ही आपसे प्यार करता है जितना मेरे से, मेरा उतना ही हक है जितना आपका, जितना हक है आपका मेरा ही उतना ही हक है, इसमें कोई ABCD नहीं है। तो बिल्कुल नहीं सोचना कि बपतिस्मा जब तक नहीं लेंगे आपका काम नहीं होगा। मैं ऐसों को भी जानता हूं अमित जिन्होंने बपतिस्मा लिया, 40 साल हो गए, उनकी अभी भी बैंड बजी हुई है, तो उनका क्या करें? तो ऐसा कुछ नहीं होता मुकेश। सर एक मिनट मेरी और बात सुन लीजिए। अरे बिल्कुल सुन रहे, बैठे ना भैया आपके लिए, बोलिए सर। ये मैं अभी 1.5 महीने पहले से मतलब मैं यूट्यूब से ही फॉलो कर रहा हूँ, यूट्यूब पे मतलब देखता था कि कोई सही जगह तो मिली नहीं, लेकिन सारे मतलब मैं वीडियो जो भी यूट्यूब पे आते थे सबको देखता था जी। तो उसमें क्या देखता था कि सर वो लोग जाते थे पास्टर के पास, तो वहां पे पापा जी कहते थे उनसे, तो मैं भी वही सोचता था कि सर कि हो सकता है लोग ऐसे बोलते हो, लेकिन हम तो नए विश्वासी हैं सर, हमें तो उतना पता नहीं जी, तो जी 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 जो भी हमारे मुंह से सर निकल गया उसके लिए सॉरी। अरे नहीं और सर, दूसरी बात सर कि मतलब ये बपतिस्मा के बारे में आप अच्छे से बता दें, मतलब हम पूरे तो भी बाइबल को उतना सही तरीके से समझ नहीं पाए, हम पढ़ते हैं डेली जी जी, तो उसे जब हम तो ये सोच रहे थे कि जब हम पूरी तरीके से प्रभु को समझ जाए, उसमें बाइबल को अच्छी तरीके से अपने मन में दिल में उतार ले, फिर उसके बाद बपतिस्मा ले, पूरी तरीके से समर्पित कर जाए जी, तो इसके बारे में सर बताइए जी जी। आप कौन से शहर से हैं सर? मैं इसमें गुजरात से बात कर रहा हूँ। गुजरात से, ठीक है ना। आपने मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया? हाँ सर, वो मैं आपका ग्रुप ज्वाइन कर लिया। ठीक है ना, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको मेरा नंबर वहां से मिल जाएगा, आप मुझे कल 3 बजे व्यक्तिगत कॉल करिए मेरे पर्सनल नंबर पे। ओके ओके सर, आपको सब और सुना हूँ सर जी जी। सर ये आपका गुजरात में कहीं चर्च वगैरह है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी? आप जब कल कॉल करोगे ना भैया, सब समझा देंगे। ओके ओके सर, या चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस।